हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइज फिलहाल तो आज तो हो गए बहुत ही ज़्यादा लेट, और देखो क्योंकि लड़कियों के उठते कांच में शक्ल देखने की जो आदत है कभी नहीं जाएगी, उठते शक्ल देखने। और आज संडे इसलिए जल्दी नहीं उठे, क्योंकि और दिन तो रानू जल्दी उठ जाती है इसलिए मेरे को भी जल्दी उठा देती है। तो आज ये भी सोती रही और मैं भी सोता रहा। और अभी बज रहे 11 और बाहर का आप लोगों को मौसम दिखाता। बाहर का मौसम देखो, बिल्कुल धूप निकल रही है पूरी। अरे यार मेरी नींद नहीं खुलती ना यार। तो लेडीज का काम है जल्दी उठना और पति को जल्दी उठाना, ठीक है? काम के लिए देखे एक बार बजा, तू कैसे बजाते? तू तो बजा बजाने वाली बन जाती ना पागल। क्या बात है, कितनी क्यूट लग रही है आज, कितनी क्यूट लग रही है तू यार। देखो इधर आ सड़ी। हाँ वाह यार, बजाना तो आता है तेरे को। किसने सिखाया था? अच्छा कहाँ उसका नाम ले रही है तू? ऐसे एक्सरसाइज किया कर, फोन आ गया तेरा। अच्छा राज आंटी का इतने दिनों कॉल आया गया। तो गाइज इसके तो आ गया कॉल और ये कर रही है अभी फिलहाल फोन में बात और अपना एक काम। तो अपन चलेंगे बाहर 3 बजे तक। मोबाइल में गाने चला के डांस वांस कर रही थी, डांस करती रहती है। इसको देखो, इसके टेंशन हो रही, फोन में बातें कर रही है मोटापे की, मैं मोटी हो गई। मोटी होने की इसको टेंशन है, और पहले पतली हो गई थी तो पतली हुई तो टेंशन थी कि यार मैं घर से आई थी तब कैसी थी, मैं पतली हो गई। और अब इसको टेंशन हो रही है कि मैं मोटी हो गई। तो लेडीज़ को हर चीज़ की टेंशन रहती है, पतली हुई तब भी टेंशन, मोटी हुई तब भी टेंशन। बस फिलहाल तो रानू फोन में बात बात करके और उधर अंकल जी और आंटी जी का सिर खा रही है, जो उसे बातें कर रही है। तो चलते बाहर और चाय वाय पीते हैं, क्योंकि तो ये लड़की अंकल जी का सिर खा के और आ चुके हैं और यहाँ पे आके मेरा सिर खाने लग गई। तो चलते क्योंकि ये तो चाय बनाएगी नहीं, ये क्या चाय नहीं बनाएगी यार, क्योंकि चाय बनती नहीं, क्योंकि इसको चाय पसंद है नहीं, चाय पीती नहीं है। तो इसलिए हम घर पे चाय वाय के कुछ भी सामान नहीं ला के रखते, और मेरे को पीनी होती है, मैं बाहर जाके चाय पी लेता हूँ। बस फाइनली चाय वाय पी के और मैं आ चुका हूँ घर पे और मैगी लेके आया हूँ। तो फटाफट से मैगी बना लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ही जोरों से। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसे मैं मैगी बनाता हूँ, क्योंकि ये है रानू, इसको तो मैगी बनानी आती नहीं, इतनी अच्छी मैगी नहीं बनाती है बिल्कुल ही। अरे कुछ भी नहीं आती यार, मैं इससे 2-3 बार मैगी बनवाई, मैंने मैगी बिगाड़ दी इसने। तो आज मैं ही मैगी बनाऊंगा और आप लोग देखना कैसे बनाता हूँ। अभी फिलहाल तो मैंने प्याज और मिर्ची काट के रख दिए और कढ़ाई है तो गैस चालू कर दिया और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। तो यार आप लोगों को बता दूं, मेरा मैगी बनाने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, तो आप लोग देखते रहिए। तो तेल हो गया है गरम और बिल्कुल धुआं निकल रहा है। तो सबसे पहले तो डालते हैं प्याज कटे हुए। तो गाइस नमक डाल देते हैं, नमक से क्या है ये जलेंगे नहीं और थोड़े से मतलब ऐसे लूज लूज हो जाएंगे। तो फिर आते हैं, अब है नंबर मैगी डालने का। तो मैगी है बिल्कुल, इसमें डाल देते हैं इसको। तो है मैगी पूरी, मैंने इसमें डाल दी पूरी खाली कर दी। तो प्याज और टमाटर मिर्ची इनके साथ मैगी को तेल में थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे। अपनी जो मैगी है और पूरा जो मिक्सर डाला था अपने टच का, उसके साथ बिल्कुल मिल चुकी है और बिल्कुल लूज हो चुकी है। तो अब ऐसा करते हैं अपन डालते हैं इसमें थोड़े थोड़े करके जो भी मसाले अपन को, जो भी अपने मतलब ज़रूरत के अनुसार जो भी डालें। हल्की सी हल्दी, तो हल्दी डाल दी अपन ने। अब डालते हैं पिसा हुआ धनिया, अपनी इच्छानुसार जो भी डालना चाहो डाल सकते हैं। देखो मैं तो और थोड़ा सा डाल देते गरम मसाला, और नमक डाल ही दिया तो थोड़ी सी डाल देते हैं, थोड़ी सी क्या अपनी मतलब ज़रूरत के अनुसार, जितनी भी आप लोग लेना चाहो। लाल मिर्च, तो हम तो दोनों खाते हैं बड़े तिक्की सी, तो लाल मिर्च से डालूंगा और इसको डाल के थोड़ी देर इसको हिला लूँ। तो गाइज इसको अच्छे से हिला के ये पका लेने, ताकि तो जो भी अपन ने मसाले डाले ना ये कच्चे नहीं रहे, और ऐसे लगातार कंटिन्यूटी मतलब थोड़ा सा फ्लेम कम करके और इनको हिलाते रहना चाहिए। और जब ये मसाले वगैरह पक जाए, मिर्ची वगैरह जो भी अपन ने पिसा हुआ धनिया डाला है, ये पकने के बाद इसमें डालना है पानी। तो भाई जो भी ये मसाला पक चुका है और अब मैं डाल देता हूँ इसमें पानी। तो भाई अपनी मैगी पक के तैयार हो चुकी है, और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। तो भाई फाइनली ये है मैगी का लुक,
और अब रानू टेस्ट करके बताई, टेस्ट करके बता कैसी लगी? मस्त लगी ना? अच्छी है। अच्छी है क्या? पागल है क्या यार, इतनी मेहनत करके बनाई, इतनी अच्छी, देखो लुकिंग में भी इतनी अच्छी लग रही है। बताने टेस्टी यार, टेस्टी। टेस्टी है ना? तू बनाती है उससे अच्छी है कि नहीं है? नहीं, उससे अच्छी तो नहीं अबे ओ है। पागल, हाँ ठीक ठाक है ऐसे गाइस। बिल्कुल क्या पानी रहेगा, का क्या नहीं रहेगा गाइस, ऐसा? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना? मैं बनाता है, इसमें मैं सब्जी बनाता हूँ तो बहुत टेस्टी चाय बनवा मैगी के दिए, बनाता। कल तारीफ कर लेते, खुश हो जाएगी, ऐसे अच्छी चीज दे दी हाँ है। देख ना पागल, इतनी इतनी सारी लेके खा रही है, कम कम खाना है यार। ऐसे लगी तुम्हारी। नहीं मस्त लग रही है ना? तो गाइस शुरू करते हैं और खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि रानू को तो बहुत नहीं, ही आप अच्छी लहसुन लगी। घर पे खा लेते हो। हाँ इसको तो बहुत ही अच्छी लगी। और वैसे मैं सब्जी बनाता हूँ ना, अभी सब्जी बहुत जैसी तो सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। गाइस, हम दोनों मैगी खा के बिल्कुल कंप्लीट है, और मैगी बहुत ही टेस्टी लगी। तो अब बराबर गाइस जाना, मैं दिख रहा हूँ। कैसे काले सही लग रहे हो तुम, और बिगाड़ रहे, देख, पहले मैं धूप, गाइस बिगाड़ देख मैं धूप रही में रहता हूँ, काम करता हूँ यार, काला तो तो गाइस, हमें लगूंगा जाने में फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि संडे तो फंडे करना है इसको, और ये सड़ी तो बोरिंग होते रहेंगे, तो होने दो बोरिंग, अपन तो चिल करते हैं। लो पकड़ो, देखो सूट करना ब्लॉग इस। ऐसे। तो गाइस इसका तो मुंह ऐसे करके फूल गया, और ये हमेशा मुंह फुलाती रहती है। का फूल रहा देखो कितनी जल्दी बोली, कब फूल रहा, कि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इसका मुंह फूल सकता है, कभी भी सही हो सकता मुझे है भी फोन आ अभी। गया था आपकी बेटा का अच्छा फोन। हाँ, तो अभी तो मैगी वगैरह जैसे इसने बताया कि बहुत ही टेस्टी बनी मैगी, और एक बार आप लोग भी ट्राई करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है मैंने मैगी, तो बहुत अच्छी बनी। और अभी ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसको जाना, इसकी फ्रेंड के घर कि गए हो, इसको 5-6 महीने हो गए, इसको टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि जब से स्कूल जाने लगी है, और आज संडे, तो इसकी फ्रेंड ने फ़ोन किया है, तो इसकी फ्रेंड की मम्मी वगैरह सब इसको मतलब मिस कर रहे, याद कर रहे, तो वहाँ जाएगी, तो इसको मैं छोड़ के आता हूँ इसकी फ्रेंड के घर। और मेरे वाह, को मुझे कम कितना से कम, समझते हो अभी, थैंक यू नहीं मैं तेरे को वेरी समझता हूँ, मेरे को भी समझता हूँ। तो गाइस जी कह रही मच। है मैं भी इसको आपको समझती हूँ, अभी समझ के समझा दूंगी। इसको मैं वहाँ छोड़ के आऊँगा ना, तो कम से कम 2 घंटे के लिए मेरे को रिजा वो मतलब क्या बोलते हैं, निजात जो भी है, मतलब आराम तो मिलेगा ना मेरे को, कान मेरे एक ही कान है मेरे, थोड़े से इसमें जाने की आवाज़ें आने लगी, मैं जब भी अकेला रहता हूँ तब भी मेरे को हबी हबी तुम पागल हो गया, तुम्हें हो गया, ये आवाज़ें आती है इधर से कान से, तो कम से कम मैं वहाँ जाएंगे 2 घंटे के लिए, मेरे कानों को तो आराम मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार आज संडे है ना, तो इसको छोड़ के तो आना है, क्योंकि फ्रेंड वगैरह तो से भी कितने टाइम बातें लगा करनी, लोगे तो आप? चलते हैं और इसको छोड़ के आता हूँ। तू रात भी ऐसे गाने चला चला के डांस करती, ये बस ये रात भी 3 बजे तक नहीं सोई गई, मैं तो बिग बॉस देख के सो गया था, और ये ऐसे गाने चला के रात में भी ऐसे डांस कर रही 3 बजे तक, ऐसे बस डांस का इसको इतना शौक है, इतना शौक है, हंसते जरा खुद अकेली रहेगी तो बस ये गाने चला के ऐसे और डांस करती रहेगी, और ऐसे बहुत ही अच्छा डांस करती है, बहुत प्यारा डांस करती है। थैंक यू, हमें इतनी अबे तारीफ लगी आपको सारा रात में। पागल, तो लेट्स गो ठीक है, तो ये भाई, फिलहाल तैयार हो चुकी है इसकी फ्रेंड के घर जाने के लिए, तो चल लेट्स गो भाई, मस्त लग रही है पागल। थैंक यू। ठीक है चल चल, इसको धक्के देके निकालना अरे पड़ेगा, चल बाप रे, निकल तो हमें चल कभी भी निकल नहीं आओगे निकल। बताओ। तो भाई चलते हैं और इसको ड्रॉप करके आते हैं, क्योंकि वापस से आके मेरे को थंबनेल एडिट करना है, जो कि वीडियो एडिटिंग से भी ज़्यादा अरे थंबनेल की तो दिक्कत है, करनी है। और थंबनेल एडिट करना है मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो मैं आराम से अगर वहाँ जाएगी फ्रेंड के पास तो आराम से बिना बैठ सकता डिस्टर्ब हूँ, होए मैं तुम्हारा खून मैं पी रहा हूँ। एडिट कर सकता हूँ थंबनेल को, तो चलते हैं वो ड्रॉप करके आते हैं। इसको ड्रॉप कर दिया इसकी फ्रेंड के घर, और अब चलते हैं अपन, क्योंकि नाना आया अभी। ठीक है भाई, उसकी फ्रेंड के घर पे ड्रॉप करके आ चुका हूँ, और अभी बज चुके 4, नहा लेता हूँ क्योंकि सुबह से नहाया नहीं हूँ, और मेरे को नहा के फिर करनी है वीडियो एडिट और थंबनेल भी एडिट करनी है, क्योंकि मेरे को कम से कम भी 3-4 घंटे चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को वीडियो एडिट करनी है, क्योंकि थंबनेल को तो मैं बाद में एडिट कर लूँगा। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।